अस्सलामुअलैकुम रिश्तान स्पोर्ट्स वन के साथ मैं हूं नचला चुके नाज़रीन। इस वक्त मौजूद हैं स्टेडियम जहां पे आल सिंध बलूचिस्तान शेख खान बहादुर बॉक्सिंग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। ये टूर्नामेंट चार दिन जारी रहेगा अयूब स्टेडियम में, जिसमें सिंध बलूचिस्तान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए टीमें इस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेगी। इसका क्वार्टर फाइनल राउंड है और इसका फाइनल मैच बरोज़ जुमेरात खेला जाए। मेरा नाम अली अकबर शाह कादरी है। मैं पाकिस्तान का साबिक ओलंपिक और इंटरनेशनल रेफरी जज भी रह चुका हूं। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की ज्यूरी का चेयरमैन रह चुका हूं। दुनिया के पांचों बड़े आज़म में मुनक़द होने वाली हर बड़ी गेम के अंदर बहसियत गैर जानबदार रेफरी जज, ज्यूरी मेंबर, चेयरमैन ज्यूरी, पाकिस्तान और एशिया की नुमाइंदगी का मुझे एजाज़ हासिल है। और मेरी खुशकस्मती है कि 6 साल के बाद मैं बलूचिस्तान के उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर बलूचिस्तान ने 6 साल पहले आल पाकिस्तान टूर्नामेंट कराया था। और 6 साल के बाद आज 3 सूबों को मैं अपने साथ देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। टैलेंट बलूचिस्तान के बॉक्सरों में मैं कहता हूँ कि बेइंतहा माजी में भी रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जो जिस किस्म से अब यह सिलसिला शुरू हुआ है, मुस्तकबिल में भी टैलेंटेड बॉक्सर सामने आएंगे। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की ग्रोहबंदियों ने पाकिस्तान की बॉक्सिंग का बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए कि इसमें बॉक्सरों का कोई कसूर नहीं है। आपने देखा कि इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान की हमेशा फर्स्ट पोजिशन रही है, अब हम चौथी पोजिशन पर आ गए। चौथी पोजिशन की माना यह है कि हमारा मैार बॉक्सिंग के अंदर बेइंतहा गिर चुका है। तो मेरी अपील है पूरे पाकिस्तान के बॉक्सिंग फैमिली से कि खुदा रहा बॉक्सिंग को बचाना है तो आपस में इत्तेहाद कायम करो। मैं लालशाह खान अचगजई, बलूचिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और साबिक इंटरनेशनल बॉक्सिंग कोच। इस टूर्नामेंट जो है हम लोगों ने फिलहाल बलूचिस्तान शेख बहादुर खान बाजगुल मंदोखिल साहब के नाम से करवाया। इसके ऑर्गेनाइज़र जो इस हमारे साथ इस टूर्नामेंट में ताउन किया है, ये हमजा मंदोखिल साहब है। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें माली, हमारे साथ माली ताउन करके इस टूर्नामेंट को कामयाब कराने में जो है उसने अहम किरदार अदा किया। इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में टैलेंट बॉक्सिंग के हवाले से बलूचिस्तान में ज़्यादा है। अभी जो है टैलेंट पहले से कई गुना ज़्यादा है, मगर बदकिस्मती है कि लीडरशिप की जो है फुकदान है। इधर अच्छा लीडरशिप न होने की वजह से हमारे बॉक्सर जो है वो तरक्की नहीं पाते। आज तक मुझे न स्पोर्ट्स बोर्ड में बार बार कहता हूँ ये कि भाई खुदा रहा हम जो स्पोर्ट के लिए बॉक्सिंग के लिए खिदमत अंजाम दे रहे, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। मैं बार बार ही हमारा गुजारिश है स्पोर्ट्स बोर्ड से, स्पोर्ट्स बोर्ड में अभी भी लोग है, दुरा बलोच साहब है, आसिफ साहब है, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इसी तरह जो है इमरान गजकी साहब है, ताउन कर रहे हैं। और माली ताउन तो आज तक हम हमारे साथ किसी ने नहीं किया। रिंग का वादा किया है दुरा बलोच साहब ने, इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह वो रिंग देगी।